ये है मेरे पास Redmi Note 8 जिसके अंदर हम MIUI 11 का Android 9 वर्जन यूज कर रहे हैं। बट अगर आप देखें तो आपको नीचे एक नेविगेशन बार यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि Android 10 में आपको देखने को मिलता है, जिस पे आप जैसे स्लाइड करते हैं तो आपके सामने जो है रीसेंट विंडोज ओपन हो जाती हैं और आप किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, आप लेफ्ट या राइट से स्वाइप करते हैं कि फोन में बैक के जेस्चर्स काम करते हैं। तो इस टाइम पे जो है हम Android 10 के जेस्चर्स जो है अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने इंस्टॉल करना है, आपको फोन को रूट करने की जरूरत नहीं है। अगर रूट कर भी लेंगे तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, बट विदाउट रूट भी आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पेक्स चेक करवा देता हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि मैं एंड्रॉइड 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए है एंड्रॉइड वर्जन 9 MIUI 11.0.4.0। जो मैं ट्रिक आपका शेयर करने वाला हूँ ये किसी भी फोन के अंदर काम करेगी, चाहे वो एंड्रॉइड 9 हो चाहे वो एंड्रॉइड 10 हो। आपको कुछ इस तरीके का जो है एंड्रॉइड नेविगेशन बार जो पिल होता है वो देखने को मिलेगा। आप इसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसके हाइट को चेंज कर सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको इसमें शो करने वाला होती है। देखिए शो करता हूँ किस तरीके से काम करता है। देखिए जैसे हम इस पर टैप करते हैं, एक बार हम होम स्क्रीन पर जाते हैं, जैसे मैं राइट या लेफ्ट पे इस पर स्वाइप करूंगा आपके फोन के अंदर जो है रीसेंट टैब्स जो है ओपन हो जाती हैं। ये देखिए ये रीसेंट टैब्स ओपन हो गई, जैसे मैंने टैप किया क्लोज हो गई, जैसे मैंने इस पर स्लाइड किया ये रीसेंट टैब्स जो है ओपन हो जाती हैं। तो ये जो जेस्चर जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं इसके अंदर। यही नहीं, आप इन जेस्चर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रीसेंट विंडो को ही खोलना है, आप इसमें डबल टैप जेस्चर को भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जो ऐप हम अपने फोन के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है नेविगेशन जेस्चर स्वाइप जेस्चर्स कंट्रोल। ये एक XDI फॉरम है, उनके थ्रू जो है को बनाया गया है जो कि काफ़ी पॉपुलर फॉरम है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इसके ऊपर जाएं और चेकआउट करें इसके सारे के सारे फीचर्स को, आप चेकआउट कर सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने इसको अच्छी रेटिंग दी है और ये ऐप जो है 2018 से एक्टिव है। तो ये देखिए नीचे आपको जो पिल दिख रहा है फिर से आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए अब इस एप्लीकेशन को मैं एक बार रन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये एप्लीकेशन जो है आप जैसे इंस्टॉल करेंगे कुछ परमिशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आप रूटेड यूज़र हैं तो ज़्यादा परमिशन देने को नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप नॉन रूटेड यूज़र हैं तो आपको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। जैसे कि देख पा रहे हैं आपको ये सभी परमिशन को इनेबल कर देना है। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे जेस्चर्स, अपीयरेंस, बिहेवियर, कंपेटेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग और बैकअप एंड रिस्टोर। जेस्चर्स में जो है आप इनके जेस्चर्स को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम बिल जेस्चर में जाते हैं तो बिल जेस्चर में पूछेगा कि टैप करने पे आपको क्या करना है, होम करना है, बैक करना है, रीसेंट टैप, काफ़ी सारे जेस्चर मिल जाते हैं। या सिस्टम के अंदर कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, पावर मेनू, इन सबको आपने ओपन करना है। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसी तरीके से डबल टैप से क्या करना है, अभी तक हम रीसेंट टैप्स यूज़ कर रहे थे, अगर आपको लगता है डबल टैप से आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी इसके अंदर एक्टिवेट करते हैं। कुछ चीज़ें जो है प्रीमियम है इसके लिए, उसके लिए आपको प्रीमियम एप्लीकेशन इनकी खरीदनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जेस्चर्स में मिल जाते हैं। आप इनके पिल जेस्चर्स, साइड जेस्चर्स जो भी हैं सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट एंड राइट के जो स्वाइप के जेस्चर हैं उस पर हमने बैक को इसके अंदर सेटअप कर रखा है कि जैसे हम स्वाइप करें बैक का ऑप्शन इस पर काम करें। आप कुछ और को भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर रिसेंट ऐप, प्रीवियस ऐप, हाइड पिल, ये जो भी ऑप्शन सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं जेस्चर्स में। उसी तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको जो है हमारा जो नीचे नेव बार है वो तो देखने को मिल रही है, मगर लेफ्ट और राइट के आपको यहाँ पे वो बटन्स देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि उनको मैंने हाइड कर रखा है। वो कैसे हाइड कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अपीयरेंस में जाते हैं, साइड अपीयरेंस में जाते हैं तो मैंने इनके जो कलर है इसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर रखा है। ये देखिए 100% मैंने कर रखा है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करता हूं, तो ये देखिए ये जो है वापस अपने कलर इस पे अपने आ जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। आप इनकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए जहाँ पे आपको जेस्चर्स रखने हैं। आप इनकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको चाहें, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ट्रांसपेरेंट रखें, जिससे होगा क्या कि आपको ये आपके फ़ोन पर दिखेंगे नहीं और आपको बिल्कुल एक अलग सा नीट एंड क्लीन सा लुक देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो आपके जो नीचे जो नेविगेशन बार आपको देखने को मिलता है आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए पिल अपीयरेंस पे जाइए, आप इसकी जो कॉर्नर रेडियस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको लगता है आपको इसकी विड्थ को ज़्यादा करना है तो इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लीजिए। ये देखिए विड्थ को ज़्यादा करते हैं हम यहाँ से, ये देखिए तो विड्थ ज़्यादा होगी। अगर आपको लगता है इसकी हाइट को ज़्यादा करना है तो आप इसकी हाइट को भी यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। आप जाइए इसकी हाइट पर सर्च कीजिए इस तरीके से और इसकी हाइट को भी आप कम ज़्यादा जो भी करना चाहें आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इजीली इनको मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप इनके पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ इसकी पोजीशंस रखनी है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको अगर आपको लगता है आपने इसके कलर्स को चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके कलर्स पर जाएंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। पिंक कलर, जैसे अभी हम ग्रे यूज़ कर रहे हैं, आपको पिंक चाहिए तो आप पिंक कर दीजिए, उसके बाद पिंक कलर का हो जाएगा। अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे दीजिए, उसके बाद इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आपको देखने का। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर जो है व्हाइट कलर यूज़ करें
जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और आपको कुछ इस तरीके का पिन यहाँ पर देखने मिलता है। आप इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, हाइट को कम कर सकते हैं, वो अपने मन मुताबिक कर लीजिए। कुछ इस तरीके का लुक आपको अपने फोन पर देखने को मिल जाएगा, और जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, स्लाइड करेंगे तो आपके फोन के ऊपर रीसेंट विंडोज खुल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इन जेस्चर्स को अपने फोन के अंदर यूज करते हैं, बस कुछ परमिशंस को आपने अलाउ करना है। उसके बाद जो है एंड्रॉइड 10 के जेस्चर्स जो है आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ये सबसे अच्छी नेविगेशन बार है जो कि XDA फोरम के थ्रू क्रिएट किया गया, जो कि एक काफी माना हुआ फोरम है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर। तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए अगर आपको एंड्रॉइड 10 के जेस्चर्स अपने फोन के अंदर यूज करने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।